नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां रितु ग्रोवर, पेश ने हुण तक दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे जनता कर्फ्यू दे सद्दे ते अज लोकां ने स्वेच्छा नाल अपने घरां अंदर रहण ते अमल कीता। देश भर विच लोकां ने बिना किसे तरह दे दबाव ते जबरदस्ती दे अपने ते अपने देशवासियां दे भले हित कोरोना वायरस दी कड़ी नूं तोड़न लई इक बेहतरीन मिसाल कायम कीती। देश दे वख-वख सूबयां विच भीड़ भड़के वाले बाजार, गलियां ते सड़कां ते सुनमसान देखण नूं मिली। सिर्फ ड्यूटियां कर रहे लोक जां जरूरी वस्तां दी सप्लाई करन वाले लोक ही सड़कां ते नज़र आए ते दवाईआं ते जरूरी वस्तां वेचण वालीआं दुकानां नूं छड्ड के सारे बाजार व्यापारक अदारे बंद रहे। जनता कर्फ्यू नूं अज दिते गए हुंगारे तो सरकार ते मीडिया दे यत्नां नाल जो जागरूकता मुहिम चलाई गई उसदे हां पक्खी नतीजे साफ देखण नूं मिल रहे ने। शायद लोकां नूं इह गल समझ आ गई है कि एहतियात विच ही उहनां दी भलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज देश दे सारे नागरिकां नूं कोरोना वायरस दे मद्देनज़र समाजिक दूरी बनाउण दे मकसद नाल अपने घरां अंदर ही रहण दी अपील कीती। अज सवेरे अपने ट्वीट सुनेहे विच प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता कर्फ्यू शुरू हो गया है। उन्होंने लोगों नूं स्वेच्छा नाल इस कर्फ्यू का हिस्सा बनने लई एक बार फिर जोरदार अपील करदिआं कहा कि जनता कर्फ्यू नाल कोरोना वायरस कोविड-19 विरुद्ध जंग नूं होर ज़्यादा ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कदम असीं हुण चुकांगे वह आउण वाले टाइम विच मदद करनगे। उन्होंने ट्वीट विच लिखिआ, घरां अंदर रहो, सेहतमंद रहो। दो दिन पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों अपने संबोधन में जनता कर्फ्यू का सद्दा दिंदिआं कोरोना महामारी तो अपने बचाव लई घरां तो ना निकलण की जोरदार अपील की सी, जिसका असर देश भर में देखण नूं मिलिआ। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के टाकरे लिए काम कर रहे डॉक्टरां, सेहत कर्मियां, पुलिस ते सिविल प्रशासन, मीडिया कर्मियां ते होर लोकां दे यत्नां लई धन्नवाद वजों अज शाम 5 बजे अपने घरां दीआं बालकोनियां ते दाखला दरवाजिआं दे नेड़े ताड़ियां ते थालियां वजा के अहसान प्रगट करन लई कहा। अज प्रधानमंत्री दे प्रिंसिपल सकत्तर ते कैबिनेट सकत्तर ने देश दे वख-वख सूबयां दे मुख सकत्तरां नाल कोरोना वायरस कोविड-19 दे संबंध विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही एक उच्च पदरी मीटिंग कीती। इस मीटिंग दौरान सारे ही मुख सकत्तरां ने दस्या कि प्रधानमंत्री दे स्वेच्छा नाल घरां दे अंदर रहण यानी जनता कर्फ्यू दा अज वख-वख सूबयां विच परवाह हुंगारा वेखण नूं मिलिआ। कोरोना वायरस दे टाकरे लई इस गल ते सहमति होई है कि वख-वख सूबयां विच लगाईआं गईआं पाबंदियां नूं 31 मार्च तक होर वधाए जाण दी लोड़ है, जिन्हां विच गैर जरूरी मुसाफिर आवाजाई ते होर सेवावां मुलतवी करन बारे फैसले शामिल सन। विस्थारक चर्चा मगरों सूबा सरकारां नूं देश दे 75 जिलिआं विच सिर्फ जरूरी सेवावां दी आग्या देण संबंधी लोड़ींदे हुक्म जारी करन दी सलाह दित्ती गई। इन्हां 75 जिलिआं विच कोरोना वायरस दे नवें केस सामने आए ने। मीटिंग विच इह वी कहा गया कि लोड़ अनुसार इन्हां जिलिआं दी गिनती वधाई जा सकदी है। अज देश दे वख-वख सूबयां तो कोरोना वायरस दे ताज़ा मामले सामने आउण तो बाद भारत विच इस महामारी नाल पीड़ित लोकां दी मौजूदा गिनती 341 हो गई है, जदकि इस बीमारी नाल पीड़ित 23 मरीज़ ठीक भी होए ने। इस दे नाल ही कोरोना वायरस नाल एक होर व्यक्ति दी मौत तो बाद मृतकां दी गिनती 5 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस नाल महाराष्ट्र विच 2 व्यक्तियां दी मौत हुई, जदकि पंजाब विच भी इस बीमारी नाल एक व्यक्ति दी मौत हो चुकी है। पंजाब विच 7 ताज़ा मामले सामने आने तो बाद कोरोना वायरस नाल पीड़ित मरीजों की गिनती 21 हो गई है। पंजाब के गुआंढी सूबे हरियाणा विच 3 व्यक्तियों के कोरोना वायरस नाल पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। पंजाब ते हरियाणा की सांझी राजधानी ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच हुण तक कोरोना वायरस नाल प्रभावित लोगों की गिनती 6 दसी गई है। जम्मू कश्मीर विच 4, लद्दाख विच 13, उत्तर प्रदेश विच 24, राजस्थान विच 22, केरल विच 45, जदकि महाराष्ट्र विच सब तो वध 60 व्यक्ति कोरोना वायरस नाल पीड़ित ने। कोरोना वायरस कोविड-19 दे टाकरे लई वड्डा फैसला लैंदिआं भारतीय रेलवे वल्लों अज रात तो 31 मार्च की अद्धी रात तक सारिया ही यात्री सेवावां मुलतवी करन दा ऐलान कीता है। रेलवे वल्लों जारी कीते गए एक नवें हुक्म विच कहा गया है कि इस समय दौरान सिर्फ माल गड्डियां ही चलणगियां। देश विच उपनगरी रेल सेवावां अते कोलकाता मैट्रो रेल दीआं सेवावां अद्धी रात तक घट्टो घट कर दित्तियां गईआं ने। इस तों बाद सारिया ही सेवावां 31 मार्च की अद्धी रात तक बंद करन दे हुक्म कीते गए ने। उधर देश भर में अंतरराजी बस सेवावां भी 31 मार्च तक बंद कर दित्तियां गईआं ने। पंजाब सरकार ने पूरे सूबे विच 31 मार्च तक लॉकडाउन दे हुक्म दिते ने। इस दौरान 31 मार्च तक हर तरह की आवाजाई ते कारोबार बंद रहणगे। एक सरकारी बुलारे ने चंडीगढ़ विच कहा है कि पंजाब विच कोरोना वायरस दे मामलों विच हो रहे वाधे दे मद्देनज़र यह हुक्म जारी किए गए ने।
छत्तीसगढ़ विच नक्सलियां नाल होए एक मुकाबले विच 17 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए ने। सुकमा जिले के चिंता गुफा खेत्र विच होए इस भयानक मुकाबले विच 15 सुरक्षा कर्मी जख्मी भी दसे जाते हैं, जिन्हां विचों 5 गंभीर जख्मियों नूं हैलीकॉप्टर राही रायपुर के हस्पताल विच भेजा गया। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।